टावर नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने जाना क्लच चाहिए और यहाँ से नीचे ये देखिए खूबसूरत व्यू। दूसरे गियर में जो मेरी गाड़ी है वो आराम से चढ़ रही है। रिकमेंडेड है कि आप अगर अपनी कार पे आ रहे हैं तो में टेक योर कार ऑल द वे अप टू देयर मोर लास्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी पेट्स आर नॉट अलाउड, चित्राल गोल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट KPK। और 8 किलोमीटर जो है वो आपने रॉक पे चल के आना है और जो आखिरी 3 किलोमीटर होंगे अप टू द टॉप वो आप मड्डी ट्रैक के ऊपर जाएंगे। ये सारा देखिए इधर चित्राल सिटी है और साथ ही उसके जो है वो ये पीछे रनवे है। ब्यूटीफुल व्यू। PTDC होटल ऑन द लेफ्ट, सदियां गुजर गई हैं इसको और ये ना चल सका। ये जो ट्री है आपने इसको जब भी ब्रह्मोगला इसको आप सर्च करेंगे तो ये ट्री आपको लाजमी नज़र आएगा। वो सामने नीचे चित्राल का एयरपोर्ट है, ये देखिए ये रनवे है। इस रनवे से ऊपर आएंगे तो इस जगह के ऊपर ये PTDC का मोटेल है जो आजकल बंद है ब्रह्मोगला, ठीक है। ये फिर इस जगह के ऊपर एक नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये टावर लगा हुआ जो नीचे से नज़र आता है। ये चित्राल से आगे ये अयून है, ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है इधर से ये अयून है। और इस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये आगे कोराग है। ये रास्ता जो है ये वाली वैली ये यहाँ से बुनी जाता है। ये नया होटल है जो आपका बन रहा है अभी इस वक्त। यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है वो हिंदू कुश हाइट्स है ये वाला ये, और वो जो आगे आपको वैली नज़र आ रही है दैट इज़ कोराग। और यहीं से आगे फिर आप ऊपर गोलैन वैली को जाते हैं। सो ये जो नज़ारा है इसके लिए आपका ब्रह्मोगलश्ट आना बहुत ज़रूरी है। चित्राल सिटी, अभी हम सनसेट व्यू देखने जा रहे हैं, ठीक है। सनसेट देखने हम जा रहे हैं ब्रह्मोगलश्ट। ब्रह्मोगलश्ट जो है ये यहाँ से सिटी से इस चौक से आपने राइट कहता है लेना ऊपर ब्रह्मोगलश्ट के लिए, और 11 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है तो फिर आप पहुंचेंगे ब्रह्मोगलश्ट के लिए। ये चौक है जी, इससे आप ऊपर चढ़े और यही रास्ता आपको लेके जाएगा ब्रह्मोगलश्ट, जिसका कहते हैं कि सनसेट आइकॉनिक होता है। कहता है 400 मीटर्स के बाद राइट हो जाएं इस गली से तो आप पहुंचेंगे ब्रह्मोगलश्ट के लिए। आपने ब्रह्मोगलश्ट का मैप लगा लेना, गली थोड़ी सी तंग है तो कोशिश करें कि आप आराम से चढ़ें। जैसे हमें शुरू से रिवर्स लेके जाना पड़ा है, आपके साथ भी इस तरह के हालात ना हों। तो ये गली में पार्किंग भी लगी हुई है और साथ ही जो है यहाँ से बिल्कुल स्टीप है ऊपर राइट साइड पे। यहाँ से लास्ट ईयर हम गए थे, ये शुक्र है अभी इन्होंने रोड बना दी है। कहाँ तक बनी हुई है? In 600 meters, keep left. रोड भी बना दिए, प्लस इन्होंने अच्छा ये किया कि कॉर्नर्स के ऊपर ये लगा दिए हैं ताकि आगे से आने वाली गाड़ी है उसको नज़र आती रहे कि कोई ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी यहाँ से मैं वीडियो इसलिए नहीं कंक्लूड कर रहा कि आपको थोड़ा सा रास्ते का पता चल जाए, गलियाँ शलियाँ एक दफ़ा आप ऊपर तो निकल जाएंगे तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यहाँ से शुरू से ये बड़ा ज़रूरी है आपको बताना। ये अब आई विश कि ये आगे तक बनी हो, लेकिन लगता नहीं है, ज़्यादा गवर्नर कॉटेज तक ये रोड मुझे लगता बनी होगी और उसके आगे नहीं बनी होगी। अगर तो ये ऊपर तक बने तो फिर तो क्या बात है, लेकिन इसके चांसेस कम ही हैं कि ये ऊपर तक बने। यहाँ से बिल्कुल जो सिटी है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आता है। ये कीप लेफ्ट नहीं है, ऊपर ऊपर रोड नहीं बनी है, यहाँ से कहता है जी कीप लेफ्ट। बेसिकली जो गवर्नर कॉटेज वाली रोड है उस चौक से उसके ऊपर आपने आना है, और फिर एक सड़क जो ऊपर को मुड़ रही है आप गूगल मैप से डालेंगे फिर मोगलश तो आपको रूट बता देगा। यहाँ से फिर ये एक एस्फाल्ट रोड तो नहीं आप कह सकते, ये कंक्रीट रोड है जो ऊपर को जाती है। यहाँ पे आगे जाके एक चेक पोस्ट आएगी, उस चेक पोस्ट से आगे फिर प्रॉब्ली आपको छोड़ते हैं, परमिशन ले गई है कि अभी देख लेते हैं आज क्या सीन बनता है। बहरहाल इस वक्त हम जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है चित्राल का, हाईएस्ट जो सेटलमेंट्स हैं उनकी तरफ ऊपर को निकल रहे हैं। नीचे चित्राल शहर जो है उसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है हमारे सामने यहाँ से नज़र आ रहा है, शाही किला, शाही मस्जिद सारा। अभी ऊपर जाते हैं तो कहीं से आपको ड्रोन के थ्रू भी दिखाते हैं। चित्राल एयरपोर्ट का नीचे छोटी छोटी झीलें हैं, वो सामने रनवे है चित्राल एयरपोर्ट का नजर आ रहा है। ये टर्मिनल है इधर, ये दिस वन, ठीक है, ये खूबसूरत रनवे। क्या लिखा हुआ है 02 इस साइड पे लिखा हुआ है, उस साइड वाला एंगल कुछ इस तरह से आ रहा है। ये जो झीलें हैं ये इन्होंने बनाई हुई है कि यहाँ पे पानी रोक के आबी वगैरह जो है उसका शिकार करते हैं। इससे खूबसूरत नज़ारा चित्राल का मेरे ख्याल में और किसी पॉइंट से नहीं है। मज़ीद ऊपर जाते जाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा ये सारा। देखिए इधर चित्राल सिटी है और साथ ही उसके जो है वो ये पीछे रनवे है, ब्यूटीफुल व्यू। अस्सलाम वालेकुम कह दो, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम बेबी, ठंड सुकून कर दो बेबी को, ठंड सुकून मिठी कर दो। हाँ वाओ, उमैसा ये आपकी फ्रेंड है वॉशिंग डूडू, वाओ। ये है जो ऊपर आके मड ट्रैक हो गया, यहाँ से मड ट्रैक से फिर मड तो नहीं मतलब कच्चा सा ट्रैक है, अभी तक सेफ है, कच्चा है वैसा, हाँ कच्चा ट्रैक है, हाँ कच्चा है। तो काश कि इस तरह की वॉल सारे रास्ते होती, लेकिन ये जाहिर है किसी का घर है तो उसने अपने घर के लिए वॉल बनाई हुई है। यहाँ से आगे हाँ वो जो वाइट आगे नजर आ रहा है वो है बेसिकली एंट्री पॉइंट ऑफ चित्राल गोल नेशनल पार्क। वहाँ से मेरे ख्याल में कोई टिकट शिकट वाला सीन है, लेट्स सी वहाँ से आगे छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। वेलकम टू चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क चित्राल। गन्स आर नॉट अलाउड, वेपन्स आर नॉट अलाउड। ये है एंट्री इनटू चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क। रोड की कंडीशन जो है वो पिछले साल से तो बहुत अच्छी हो गई है। मैं तो पिछले साल आया था तो 4x4 पे गया था, इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं जो है वो कार पे जा रहा हूँ, क्योंकि लोकल जो है वो कार वगैरह लेके जाते हैं। इवनिंग का पॉइंट है लोगों का, इवनिंग ऊपर जाके गुजारते हैं और ऊपर से सिटी का नज़ारा बड़ा अच्छा है आज, क्योंकि मतलब भी ठीक है। तो चित्राल गोल नेशनल पार्क वाले वो जो वहाँ पे रेंजर्स बैठे हुए थे, पार्क रेंजर्स, उन्होंने इशारा किया है कि ठीक है जी आप जा सकते हैं। सो वी आर कैरिंग इट ऑन, दूसरे गियर में जो मेरी गाड़ी है वो आराम से चढ़ रही है, मतलब इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है,
रोड जो है बारिश की वजह से वो भी नहीं हुआ हुआ कि कहीं से मेरे टेर हो, तो अच्छी बात है कि कार का रास्ता भी इन्होंने बनाया हुआ है। जीपेबल ट्रैक तो पहले से ही था लेकिन अच्छा ग्रेडियंट रख के ना, ताकि इजीली कार जा सके, इन्होंने रोड बनाया है। सो रिकमेंडेड है कि आप अगर अपनी कार पे आ रहे हैं तो वे टेक योर कार ऑल द वे अप टू बिरमोग लस्ट। जिस तरह की रोड आपको नजर आ रही है, इट्स प्रीटी ऑलराइट। लेट मी शो यू सम टाइम लैप्स अगेन। ट्रैवल करते हुए तकरीबन कोई 15 मिनट हो गए हैं इस रोड के ऊपर, कोई 1/3 जो है वो हमने इसका कवर कर लिया है। और जो बेस्ट थिंग है कि बहुत कम हुआ है कि मुझे पहले गियर में गाड़ी करनी पड़ी है, अदरवाइज मोस्टली गाड़ी जो है वो जो दूसरा गियर है वो आराम से बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन किस्म का बिल्कुल 2-3 डिग्री के एंगल के साथ जो है ना उन्होंने स्टीप बनाया है इसको। बाकी आराम से गाड़ी आपकी दूसरे गियर में कोई 30 की स्पीड से जो है वो मेरी कार जो है वो चल रही है। 20 तो आप समझें ना, आँख बंद करके आप ले लें। और दूसरे गियर में किसी जगह पे भी गाड़ी को कोई मिसिंग वाला सीन या वो नहीं हो रहा। In 200 meters, turn right. जी तो एक ही रास्ता है टर्न राइट वाला, अगर लेफ्ट से हो सकता है कोई दूसरी साइड पर जाता हो रास्ता, मेरा नहीं ख्याल कि एक ही रास्ता है जो ये ऊपर इंस्पेक्शन हट पे भी जाता है प्लस टेक द नेक्स्ट राइट। कहाँ से एक ही रास्ता है बीबी, कहाँ से यहाँ से राइट लेके जाना है? हाँ बस एक ही रास्ता है, वो गूगल मैप का अपना ही राइट है ना जी, तो गूगल मैप इज ऑलवेज राइट। 30 की स्पीड है जी। पेट्स आर नॉट अलाउड, चित्राल गोल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट KPK, और इम्पॉर्टेंट बर्ड्स ऑफ चित्राल गोल नेशनल पार्क, ये उसके को नाम लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ पे परिंदे इस जगह पाए जाते हैं। सो ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव किस्म का एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है अबाउट द फ्लोरा एंड फाना ऑफ चित्राल गोल नेशनल पार्क। ये रोड कंटिन्यू है, इधर लेफ्ट पे भी आप जाएंगे तो वो भी ऊपर को रास्ता जाता है, ये रोड हम कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल गो ऑन टॉप ऑफ बिरमोग लस्ट। आगे ऊपर एक PTDC का होटल भी है, लेकिन अब क्योंकि PTDC हर जगह ख़त्म हो चुका हुआ है लिहाजा बस एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, ना पानी है ना उधर कोई चौकीदार है ना कुछ भी नहीं, चौकीदार शायद होता हो बाकी वो बंद ही है। उसी के रास्ते में है, लेट्स सी द टाइम लैप्स अगेन। लें जनाब यहाँ से जो कोर एरिया है चित्राल गोल नेशनल पार्क का वो शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से अब आगे टोटल मटी ट्रैक है, टोटल मट्टी है, नीचे पहाड़ था, रॉक जो है वो ख़त्म हो गई है, और अब ये जो टोटल ट्रैक है ये मड के ऊपर हम जाएंगे और ऊपर जो टॉप है वो भी कंप्लीट मटी है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे वेजिटेशन कवर ज़्यादा है, दैट इज़ द रीज़न कि जब आप विंटर्स में अपने समर्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ऊपर एक ग्रीन पैच जो है वो नज़र आता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक काकलश मीडोज की जैसे मट्टी है, उस टाइप की मट्टी है, और जैसे वैसे भी यहाँ पे भी मीडोज है, फेरी मीडोज है, या जो भी मीडोज यहाँ पे हैं, यहाँ ग्रासी लैंड्स होती हैं, ये एग्जैक्ट वही वाली है, इसलिए रोड भी साफ हो गई है, स्मूथ भी हो गई है, टायर की ग्रिप भी ठीक हो गई है एंड क्रूजिंग भी फाइन हो गई है। सो यहाँ से आगे जो रास्ता है वो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर है, मतलब 8 किलोमीटर जो है वो आपने रॉक पे चल के आना है
और जो आखिरी 3 किलोमीटर होंगे अप टू द टॉप वो आप मटी ट्रैक के ऊपर जाएंगे। इधर से 3 किलोमीटर का मतलब है कि इट वुड बी हार्डली टेकिंग अस टू ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, आधा घंटा में हो गया, तो 45 मिनट्स का जो टाइम था उसी में हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे एट द टॉप ऑफ बिरमोग लश्ट। वहाँ से उस साइड पे भी स्लोप बहुत खूबसूरत है और इस साइड पे भी जो चित्राल सिटी है वो हमारा अब बिल्कुल नीचे चला गया है। टॉप से जाएंगे तो वहाँ से एक दफ़ा नज़ारा दोबारा से आएगा जहाँ से PTDC का मोटेल है। अभी सिटी फिर दोबारा से लेफ्ट पे आ गया, नीचे से कुछ ना कुछ नज़र आता है लेकिन टॉप से फिर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। सो लेट मी शो यू द टाइम लैप्स अगेन। ये देखें इंतहाई खूबसूरत है, उधर से आते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। और लेकिन बस बात वही है कि मेंटेनेंस नहीं हो सकी। जब किसी ज़माने में यहाँ पे टूरिस्ट आते थे तो सबसे ज़्यादा जो PTDC के मोटेल्स हैं वो चित्राल में है, ये बिरमोगलश में है, फिर नीचे सिटी में है बूनी में, फिर वहाँ पे कैलाश में है, फिर बूनी में है, सिटी में है, और एक जगह और जाके PTDC का मोटेल है मस्तूज। हाँ मस्तूज में भी है, लेकिन ये सारे जो 5 से 6 जो हैं PTDC के मोटेल वो खाली एक चित्राल डिस्ट्रिक्ट में थे, लेकिन अब 5-6 जितने भी हैं सारे के सारे बंद हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान right. हाँ जी पूरे पाकिस्तान में ही बंद हैं बिकॉज ऑफ द अननोन रीजंस। आई विश कि कभी टूरिज्म जो है वो दोबारा से रिवाइव हो पाकिस्तान में और यही वाले जो हैं ये कम अज़ कम किसी जगह ठेके पे ही चढ़ जाए, ठेके पे ही चढ़ जाए तो शायद कुछ इनका नमूना बन जाए। ठीक है जी, सो लेट्स गो। अब हम बिल्कुल टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। You have arrived. वो जो इसको लोकेशन लगाई हुई थी वो वाली PTDC होटल वाली उसकी अराइव लिखती है। हम इंशाल्लाह ऊपर जो लास्ट पॉइंट है उस तक जाएंगे। ये मटी है, जब बारिश वगैरह हो जाती है तो ये स्लिपरी भी हो जाता है, प्लस इसमें ये जो खड्डे आपको नजर आ रहे हैं ये फिर उसी टाइम के हैं कि जब गाड़ियाँ शाड़ियाँ इसमें चलती हैं तो ये मटी है, फिर ये नीचे बैठ जाता है। सो लेट मी शो यू द टाइम लैप्स। नजारा है ना जनाब, इससे पैसे पूरे होते। ये देखे ये सारा वो सामने है, नीचे चित्राल का एयरपोर्ट है, ये देखे ये रनवे है। इस रनवे से ऊपर आएंगे तो इस जगह के ऊपर ये PTDC का मोटेल है जो आजकल बंद है बिरमोग लश्ट। ठीक है, ये फिर इस जगह के ऊपर एक नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये टावर लगा हुआ है जो नीचे से नज़र आता है। ये चित्राल से आगे ये अयून है, ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है इधर से ये अयून है, और इस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये आगे कोराग है। ये रास्ता जो है ये वाली वैली ये यहाँ से बुनी जाता है, ये नया होटल है जो आपका बन रहा है अभी इस वक्त यहाँ पे। इस जगह के ऊपर जो है वो हिंदू कुश हाइट्स है ये वाला ये, और वो जो आगे आपको वैली नज़र आ रही है दैट इज़ कोराग, और यहीं से आगे फिर आप ऊपर गोलैन वैली को जाते हैं। सो ये जो नज़ारा है इसके लिए आपका बिरमोग लश्ट आना बहुत ज़रूरी है। कुदरती आज वेदर भी क्लियर है इस साइड पर, सनसेट के लिए हम आए हैं, सनसेट ऊपर आपको दिखाएंगे, लेकिन ये यहाँ से दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम बिरमोग लश्ट के टॉप से तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ तक हमें लगे हैं तकरीबन कोई 40 मिनट्स, और नीचे का जो नज़ारा है यहाँ से बहुत ही कमाल है। आप अगर नीचे देखें तो वो नीचे आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, साथ ही एयरपोर्ट का रनवे है, और उसके साथ ऊपर जो है यहाँ पे इस जगह के ऊपर जहाँ मेरी फिंगर है ये बिरमोग लश्ट का PTDC मोटेल है।
सो यू शुड ट्राई दिस, आपकी कार आराम से आ सकती है. लेट मी टेक यू टू द टॉप. ये जो ट्री है आपने इसको जब भी ब्रह्मोगला इसको आप सर्च करेंगे तो ये ट्री आपको लाजमी नज़र आएगा. ये ट्री तकरीबन को कहा जाता है कि बहुत ही पुराना है, मतलब हज़ारों साल के हिसाब से पुराना है. ये मुझे किसी ने बताया था कि ये गिर गया लेकिन अभी तक ये नहीं गिरा. ये देखें इसको प्रिजर्व किया गया है साइड से, क्योंकि ये इतना पुराना है और इतना नादिर है कि इन्होंने इसको बिल्कुल चारों साइडों से जो है वो कवर कर दिया ताकि लोग इसके ऊपर चढ़ के इसको मज़ीद जो है वो डैमेज ना करें. पॉइंट है ब्रह्मोगलश्ट का. ये जो जाल नुमा आपको साइड पे लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो जानवर यहाँ पे बीमार हो जाता है उसको पकड़ के फिर यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड जगह पे रखा जाता है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी मेडिकेशन के लिए. और फिर जब वो ठीक हो जाता है तो उसको यहाँ से निकाल के फिर जंगल में आज़ाद कर दिया जाता है. ये थोड़ी सी इन्होंने प्रोटेक्टेड जगह बनाई हुई है फॉर एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ वालों ने. ये ऊपर ये लास्ट पॉइंट है और यहाँ से फिर वो एक बंदा पहले भी ड्रोन लेके खड़ा हुआ है, हम अपना ड्रोन भी यहीं से उड़ाएंगे. ये है जी आखिरी पॉइंट ऑफ दिस. वहाँ पे आगे एक जगह है जहाँ से आप अपने फोटोज शोटोज बना सकते हैं और उसके बाद जो है वो ये इनक्लोजर फॉर डिजीज्ड एनिमल्स. ये Let me show you through drone.